मैं अदरबास हैदरी किताबें लेकर अदालत में जहां मौजूद हूं और ये बेहमदिल्ला तमाम शियों को मैं ये खुशखबरी देता हूं कि इमाम जमाना की तरफ से आपको फतह मुबारक हो। वो भाग गया, वो सामने नहीं आया। जब दुजाली साहब आए नहीं है जी, वो कहां पे आए हैं? भागे कहां पे? वो तो आए हैं, ये दरमियान में भाग गए हैं। हमें वो ये भागे मरते दम तक उलमा हमारे किताबें लेके आए थे ना, कि लोग अपना मुहर्रम सीधा करना चाह रहे थे, यहाँ पे किताबें ला के शो करके आवाम हमारी बेवकूफ बन जाती है। ये आ तो गए किताबें लेके, लेकिन ये दरमियान में भाग गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातो वसलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतशम सामईन नाज़रीन बख़ैरियत होंगे, अल्लाह सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। नाज़रीन इकराम, 4 तारीख को सैफुल इस्लाम वल मुस्लिमीन असीर तहफ़्फ़ुज़ नमू से सैयदा कौनैन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलाम अलैया असीर तहफ़्फ़ुज़ नमू से अहले बैतो सहाबे किराम रदियल्लाहु अन्हुम मर्द हुर्रियत मर्द इस्तक़ामत कंज़ुर्रनमा बहरुल उलूम मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुल कुदसिया की मॉडल टाउन में पेशी थी, जबकि पुलिस ने हज़रत क़िबला कंज़ुर्रनमा ज़ीद शरफ़हू को कचहरी में पेश न किया। तो आप ज़ीद शरफ़हू की अदम पेशी से फ़ायदा उठाते हुए खुमैनी की और मुख्तार सकफ़ी की नस्ल शाम गरीबा की नजायज़ औलाद में से एक शख्स ने अपनी गुमराह आवाम को मज़ीद गुमराह करने के लिए और उनको मुतमईन करने के लिए और उन्हें झूठी तसलियाँ देने के लिए एक प्रोपेगंडा खेला। नज़रुल इकराम, ये शख्स वही शख्स है कि जिसका बाप ज़रबे जलाली से वासिल जहन्नम हुआ था, और इसको बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि गोजरा की सरजमीन मंडी भावुद्दीन के अंदर जो हज़रत क़िबला कंज़ुर्रनमा ज़ीद शरफ़हू ने सुन्नी का सच शिया का झूठ 6.5 घंटों पर मुश्तमिल कुरान सुन्नत के दलाइल बराहीन से खिताब फरमाया था, तो इसी मलऊन का बाप ताजु हैदरी उसी ज़रबे जलाली से वासिल जन्म हुआ था। तो इस मलऊन ने हज़रत क़िबला कंज़ुर्रनमा ज़ीद शरफ़हू की अदम पेशी से फ़ायदा उठाते हुए 2-4 किताबें उठाई और एक वकील की चैम्बर में आकर छुप गया। जब इसने देखा कि जलाली साहब ज़ीद शरफ़हू तो नहीं तशरीफ़ लाए, तो इसने 2-4 बंदे बिठाए और अपनी वीडियो बनवाना शुरू कर दी कि जी जलाली साहब आज मुनाजरा से भाग गए, हम मुनाजरा के लिए आए थे और वो मुनाजरा से भाग गए हैं मैदान मुनाजरा से। और फिर उस पर मजीद जो उसने लगवियात बकी, मुनाजरे का चैलेंज भी किया, तो कई मुखलिस दोस्त अहबाब ने रब्ता किया और मुझे कहने लगे कि जी उसका मुनाजरे का चैलेंज कबूल करना चाहिए। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं उसके मुनाजरे का चैलेंज कई मरतबा कबूल कर चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, इसका भी जवाब होना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि आप कुछ दिन ठहर जाएं, रुक जाएं, देखना कि ये खुद ही बिल्ली अपने थैले से बाहर आ जाएगी। तो आज जब हज़रत क़िबला कंज़ुर्रनमा ज़ीद शरफ़हू की बेल दायर की गई, तो उस मौका पे हमारे वकला भी वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे, तो साथ ये मलऊन वकला भी हाजिर हुए। आप इनके चेहरे आज देख लें कि किस कदर मुरझाए हुए हैं। मुसलसल लानत बरस रही है कि अभी तक आप दामत बरकातुल आलिया अदालत में खुद पेश नहीं हुए दलाल देने के लिए। अभी तक तो आपके जो वकला हैं वही पेश हुए हैं और उन्होंने दलाल दिए हैं। तो इनका हाल ये है कि जो कि देखने वाला है, कबले दीद है। अब देखें इनके चेहरे किस कदर मुरझाए हुए हैं और मुसलसल लानत बरस रही है। अभी तो ये आगाज है, इंशाल्लाह आगे आप देखें कि इनके साथ क्या होता है। और फिर मजीद मजे की बात नाज़रीन किराम, आपकी समातों की नजर करता चलूं कि आज ये जो मुकद्दस काजमी नामी मलून शख्स है, ये अपनी हर खबर शेयर करता है कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। आज जब इसने अपने वकला से बात की और कहा कि आज तो किताबों की जरूरत नहीं थी, तो आगे से वो मलून वकला क्या कहते हैं आप खुद समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, आज किताबों की जरूरत तो नहीं थी वो, यानी जो रेफरेंस किताबों की जरूरत जो हमारे उलमा लाए थे वो बड़ा की जरूरत उस दिन भी नहीं थी। हाँ। ना जलाली को यहाँ लाया गया, ना नहीं कुछ उलमा हमारे किताबें लेके आए थे ना, कि लोग अपना मुहर्रम सीधा करना चाह रहे थे, यहाँ पे किताबें ला के शो करके आवाम हमारी बेवकूफ बन जाती है। इसमें तो बस एक तारीख में उन्होंने आना था ताकि आगे मुहर्रम है वो खराब ना हो, क्योंकि आवाम को शऊर आ चुका था हमारे मुकद्दस आदमी की। इस मामले को पर्सनल मतलब एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए कुछ लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और जनाब सैयद कौनैन मखदूमा दारैन मादर हसनैन के मतलब नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि ये खालिसतन हमारा मौलाइयों का ये मतलब है, ये दिल से बग़ैर किसी लालच के, जबकि वो किसी लालच की मद में ही होंगे,
जो कि आए और अपनी वीडियोस बनवा कर चले गए, और जबकि ज़रूरत जिस अमर की थी वो अब भी नहीं किया जा रहा, तो काफी परेशान है उनके उस अमल से। तारीख तो आज भी है, तारीख आज भी है, तारीख कल भी है, और सबको पैगाम पहुंचा दिया था जी। हम जी बिल्कुल स्टेज पे होती है, रिमांड स्टेज पे। अच्छा, वहाँ पे वो कह रहे हैं जो फैसलाबाद जिन बच्चों ने उनको वो उलमा ने मौलाना उलमाए अहले सुन्नत ने बुलाया था कि आप आके वहाँ पे जो ना वो दलाइल दें, तो वहाँ पे क्यों नहीं, यानी वहाँ पे भी तो ये किताबें ले जाके जाया जा सकता था ना। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि डीसी ने इजाजत नहीं दी, यहाँ भी डीसी ने इजाजत नहीं दी। जी नहीं दी थी तो फिर के ले आए थे बनाने के लिए, यहाँ बुक्स ले आए हैं तो वहाँ पे डीसी ने इजाजत नहीं दी। अच्छा, वो कौन कौन लोग हैं को पता चल जाए ना, जैसे आसफ अली का नाम। देखिए, ये आ तो गए किताबें लेके, लेकिन ये दरमियान में भाग गए, इतनी बुरी बात है। आए हो तो आखिरी दम तक हमारा साथ दो, और यहाँ से आखिरी दम तक आखिरी नाराबाजी शुरू हो गई। इतना मुझे दुख हुआ, ये दरमियान में से गायब हो गए, यानी जब नाराबाजी हुई फिर चले गए। सबसे पहले आए हैं, मैं सबसे पहले मौजूद था 7:45। हाँ, ये लोग सबसे पहले आए हैं और सबसे पहले भाग गए, और इनकी जरूरत भी नहीं है अदालत में, हमें इनकी जरूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने यहाँ पे लीगल दलाइल देने का कोई मतलब है, वहाँ पे इस्लामी बहस नहीं होगी, वहाँ पे हमने FIR के जो लीगल कंटेंट हमें चाहिए। लोग तो बड़ा देखे, अप्रिशिएट तो उनको किया जा रहा है इस हवाले से कि आप किताबें लेके गए, और ये बताया गया कि दज्जाली जो है वो भाग गया उनकी वजह से। करने वाले तो दूसरे एंड पे भी कर रहे हैं, जबकि दज्जाली साहब आए ही नहीं है जी। वो कहाँ पे आए हैं, भागे कहाँ पे, वो तो आए हैं, ये दरमियान में भाग गए हैं, हमें वो ये भाग गए मरते दम तक साथ रहे हैं। यहाँ पर नाम निहाद वकील ज़हरा की जरूरत नहीं है, यहाँ पर असल आपके जैसे। मैं तो नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पे बिल्कुल जी। नाज़रीन किराम, आपने समाअत फरमा लिया। मैं यही अपने नाज़रीन सामईन को ये कह रहा था कि आप सब्र करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ये बिल्ली खुद ही थैले से बाहर आ जानी है। वो आज आ गई है, इन्होंने खुद ही अपने उन जाकरों के किन किन राजों से पर्दे उठाए हैं कि जो वो मुहर्रम के प्रोग्राम सीधे करने के लिए आए थे, वो अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए आए थे, तो आगे से किस कदर इन्होंने उनकी तजलील की है कि हमारी शियत का जनाजा ना निकालें, हमारी कौम की तुमने कितनी बदनामी करा दी है कि तुम दरमियान में भाग गए और तुम किताबें लेकर भाग गए। तो ये नज़रीन किराम, ये माज़ अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू का फजल और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत है, और हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की चादर तत्हीर का सदका है कि अल्लाह ताला ने उस मर्द हुर, उस मर्द मुजाहिद, उस मर्द अज़ीमत, मर्द इस्तक़ामत को अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त बख्शी है कि अभी तक वो खुद शख्स, वो मर्द हुर खुद अभी अदालत में पेश नहीं हुआ, और अपने मौकिफ की हिमायत में खुद दलाइल अभी तक तो उसने पेश ही नहीं किए। अभी तक तो हमारे वकला ही बास कर रहे हैं और दलाइल पेश कर रहे हैं, तो अभी से इनकी हालत ये है। इसलिए नाज़रीन किराम, आप मुतमईन रहें, हज़रत क़िबला कन ज़ुल्मा ज़ीद शरफ़हु की ज़ात के लिए आप दुआएं करते रहें, अल्लाह उनको से तो आफियत वाली दराजी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए, उनका साया आले सुन्नत पे तादेर कायम दायम फरमाए, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ुमान में रखे, जिस कदर वो अकायदे आले सुन्नत नजरियाती आले सुन्नत पर पहरा दे रहे हैं गलबे इस्लाम की खातिर और अकायदे आले सुन्नत के तहफ्फुज़ के लिए, जो उन्होंने एक जुर्रतमंदाना और जानदार किरदार अदा किया है, यकीनन वो बेमिसाल है। हमारी नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं हज़रत क़िबला कन ज़ुल्मा ज़ीद शरफ़हु की ज़ात के साथ हैं। अल्लाह ताला हम सब को अकीदे आले सुन्नत पे कायम व दायम रखे, अल्लाह हम सब को इस फितने का डट कर मुकाबला करने की तौफीक रफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला।